नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर पहुंच गए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। तो हवाई अड्डे पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर। वहीं आपको बता दें, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो चुके, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। तो लंच के बाद शाम 4 बजे लौटेंगे सर्किट हाउस, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में भी वो शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर पहुंच गए हैं, काफी सारी चीजें हैं वहां पर वो शिरकत करेंगे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखेंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखाए, राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें, जहां हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो कई और कार्यक्रम भी है उनके। तो लंच के बाद शाम 4 बजे के बाद वो सर्किट हाउस लौट जाएंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो जोधपुर दौरे पर है राज्यपाल, पहुंच चुके हैं वहां पर। आपको बता दें, कई बड़ी चीजें वहां पर आज होनी है जिसमें वो शिरकत करेंगे। वहीं हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के लिए वहां रवाना हुए, इस वक्त की बड़ी जानकारी। विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में जहां पर उससे जुड़े जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में वो शामिल होंगे। लंच के बाद शाम 4 बजे सर्किट हाउस लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रखे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया गवर्नर को, इस वक्त की बड़ी जानकारी। ललित हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है और आज किस तरह का शेड्यूल है पूरा? निहारिका, राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनको पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वे सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गए। विश्वविद्यालय में वे कुलाधिपति के नाते समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय की गतिविधियों की, शैक्षणिक गतिविधियां और जो दूसरे कार्य हैं उनका समीक्षा करेंगे। लंच वहीं करेंगे विश्वविद्यालय में ही, और उसके बाद शाम 4 बजे सर्किट हाउस लौटेंगे। कुछ विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, वो ये टाइम उनके रिजर्व रखा गया है। उसके बाद शाम को वे कायलाना झील पर जाएंगे। कायलाना झील जो कि पहाड़ियों के बीच में एक सुरम्य स्थान भी है और जोधपुर को पानी की सप्लाई करती है। पूरा जोधपुर बरसों से कायलाना झील का ही पानी पी रहा है। वहां अवलोकन करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस लौटकर रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, पाली में उनके और कार्यक्रम है। निहारिका, ललित, आपसे जानना चाहूंगी, जो विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक है उसमें कौन कौन आला अधिकारी मौजूद रहेंगे? सरदार पटेल विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जनरली पुलिस अधिकारी होते हैं और दूसरे अधिकारी भी यहाँ पे पोस्टेड हैं। आईपीएस अधिकारी अधिकतर पोस्टेड हैं विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में खास बात है कि कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें आजकल जो महत्व है साइबर से संबंधित कोर्स का। उसके अलावा एमए कई विषयों में है, जिनमें पुलिस की समाज में भूमिका और विषयों पर, तो इन सब के विषयों पर जो डिग्रियां दी जानी है उन सब में समीक्षा बैठक में उन पर चर्चा होगी और राज्यपाल कुलाधिपति के नाते बैठक। ठीक है ललित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।